Hey guys, welcome back to my YouTube channel. रात के बज रहे हैं 1:30 और हम लोग चलने वाले हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, भस्म आरती लेने इंदौर से। हमारी सारी गैंग तैयार है, सब लोग रेडी हैं और अब हम लोग बाई रोड ट्रैवल करेंगे, तो चलिए चलते हैं। काफी ठंडी ठंडी हवा लेने के बाद अभी हम लोग होटल पे रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए। गाइस चाय पी लो। चाय पर पीने में भी सब लोग ये देखो, फिर चाय पीते ही फिर से चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। बस हम लोग फूल माला लेके अंदर एंट्री कर रहे हैं। ऐसे हम लोग आए तो भस्म आरती के लिए थे, लेकिन हम लोगों को कल टिकट हो नहीं पाया था, तो अभी हम लोग नॉर्मली दर्शन करेंगे, 6 बजे पट खोलेंगे। तो चलिए चलते हैं। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका तो
अभी हम लोगों ने महाकाल के दर्शन कर लिए, काफी दूर थी हम सब लोगों ने, लेकिन काफी अच्छे से दर्शन कर लिए। अभी हम लोग और मंदिर चलेंगे और आपके यहाँ चलते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। जय श्री महाकाल। राम घाट है, काफी अच्छा व्यू है यहाँ, सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं पीछे, काफी अच्छी जगह है। और सबसे ज्यादा अच्छा है यहाँ पे कि हम लोग आके बैठ सकते हैं काफी टाइम तक और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी सुभाष का शूट स्टार्ट हो गया, कैमरामैन सुभाष के साथ ब्लॉगर सोम दीचे स्टेट्यू। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, कौन सी जगह है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गुफा है, हम लोग गुफा में चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर और अभी हम लोग चलेंगे अंदर। गाइस आइए और यहाँ पे दारू चढ़ाइए और खुद भी ले जाइए, एंजॉय कीजिए। ये चढ़ा ही नहीं रहा है, हम पाइन शॉप और अंग्रेजी मदिरा तो शॉप, अंग्रेजी इंग्लिश सब ब्रांड है, आप आइए चढ़ाइएगा चढ़ाते। तो हम लोगों ने महाकाल के भी दर्शन कर लिए, भैरवनाथ के भी कर लिए और बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सब दर्शन हो गए जितने करने थे, सीधे इंदौर। सर इन लोगों से पूछते सबसे पहले कैसा लगा, इन लोगों को कैसा लगा सुभाष? सबसे बढ़िया लगा है यहाँ पे काल भैरव आने आगे, क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति है वो भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ के वो महाकालेश्वर की तो बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे दर्शन जो होते हैं एक तो बड़ी किस्मत से मिलते हैं, बहुत सब्र करने पे मिलते हैं, 3 बजे से लाइन में लगो, उसके बाद जब 6 बजे का आके गेट खुलते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे अच्छा लगा। आइए चलिए आप लोग भी आइएगा। फाइनली हम लोग अपने रूम पे पहुँच चुके हैं, मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया, जस्ट अभी 5 मिनट हुए होंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया महाकालेश्वर में और भैरव बाबा के भी काफ़ी इन्जॉय किया, भैरव बाबा में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। वैसे हम लोग मॉर्निंग में निकले थे इस सोच के कि महाकाल के भस्म आरती वाले दर्शन करेंगे, बट मुझे पता था कि कन्फर्म तो नहीं, क्योंकि कल मैंने जब बुकिंग करने की कोशिश की एक दिन पहले तो साइट क्रैश कर रही थी, तो मुझे लगा शायद डायरेक्ट मिल जाए हम लोगों को एंट्री, बट ऐसा कुछ नहीं था, आपको पहले से एक दिन पहले दो दिन पहले टिकट बुक करानी पड़ेगी। ऑनलाइन करा सकते हैं आप या उनका एक टोल फ्री नंबर है, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे ऑनलाइन साइट एंड टोल फ्री नंबर, या फिर आप मंदिर विज़िट करके फॉर्म वगैरह फिल होता है मुझे वहाँ से पता चला है, तो आप उसको फिल करके सबमिट करके अपना अगले नेक्स्ट दिन की या एक दो दिन बाद शेड्यूल कर सकते हैं जब भी आप आना चाहें, क्योंकि उसमें लिमिटेड लोग एंटर कर पाते हैं जब भस्म आरती होती है। पका है कि ऐसा नहीं हम लोगों ने देख नहीं पाया, हम लोगों ने बाहर से LCD वगैरह की अच्छी व्यवस्था रहती है, तो
तो LGDP हम लोगों ने देखी, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत भव्य दर्शन था कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें से सिर्फ यही एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर की जिसमें भस्म आरती हुआ करती है। तो आप लोग आना आइएगा सबसे पहली बात, और फिर और इसके बाद आप बाबा भैरव जरूर जाइए। बाबा भैरव की भी वहाँ शराब वगैरह चढ़ती है तो बताते हैं वो पीते हैं, बट अभी वो लोग हम लोग सामने नहीं पिलाते हैं, बट वो पीते हैं लेकिन वहाँ पे लोग चढ़ाते हैं जिसको जो ब्रांड सूटेबल होता है अपने अकॉर्डिंग चढ़ाते हैं, थोड़ी भी चढ़ाते हैं पकाए कर ले जाते हैं प्रसाद रूप में। आप लोग आइएगा, विजिट कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड वहाँ पहुँचने का मंदिर या फिर भस्म आरती से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मेरी मेल आईडी पे या इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तो आप लोग आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।